आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी मसाला मैक्रोनी। मसाला मैक्रोनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और हर किसी को पसंद आती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये रेसिपी है, आप एकदम आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मसाला मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। एक चम्मच हम नमक डाल लेंगे इसमें और साथ ही साथ एक चम्मच तेल या घी, जो आपको पसंद हो वो डाल लीजिए। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे, तो यहाँ मैंने 200 ग्राम पास्ता लिया है, ये डाल लेते हैं और इसे करीब करीब 3 से 4 मिनट के लिए उबलने देंगे। देखिए 3 मिनट हो गई है इसे पकाते हुए, अब चेक कर लेते हैं। तो चाकू की सहायता से हम कट लगा के देखेंगे। देखिए अच्छे से बन गया है। अब इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे, अब इसे हम छान लेंगे अच्छे से और फिर ठंडा पानी इस पर डाल देंगे, या नॉर्मल पानी आप डाल सकते हैं, जिससे आगे का जो प्रोसेस है कुकिंग का वो रुक जाएगा। और एक चम्मच हम तेल डाल देंगे जिससे ये चिपकेंगे नहीं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें एक चम्मच हम तेल डाल लेते हैं, या आप बटर भी ले सकते हैं। एक चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, इसे डाल लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। और एक चम्मच ही मैंने बारीक कटी हुई अदरक ली है, इसे भी भून लेंगे, या आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। एक चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे भी भून लेंगे अच्छे से। और साथ ही साथ एक मैंने यहाँ बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसे भी भून लेंगे। बिल्कुल बारीक कट करके लेना है, प्याज को बिल्कुल अच्छे से भूनना है। प्याज को मैंने भून लिया है अच्छे से। अब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच शिमला मिर्च डाल रही हूँ, बिल्कुल बारीक कटी हुई, भून लेंगे। जो भी सब्जियाँ इस्तेमाल करेंगे हल्का हल्का भून लेंगे इसे। एक मैंने टमाटर लिया है, बिल्कुल बारीक कट करके लिया है। टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब एक चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे ढक कर हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो 2 मिनट हो गई हैं, चेक कर लेते हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ली है, एक चम्मच मैंने यहाँ ऑरिगेनो लिया है, आपके पास मिक्स हर्ब है तो वो भी ले सकते हैं, और एक बड़ा चम्मच मैं इसमें टोमेटो केचप डाल रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो डाल लेते हैं इसे, और साथ ही साथ मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पास्ता सॉस लिया है। पास्ता सॉस या पिज़्ज़ा सॉस एक ही होता है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि घर पर ही पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस कैसे बना सकते हैं। तो इसकी 2 बड़े चम्मच हम डाल लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और ज़्यादा मसाले डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं, मैंने दोनों तरह की वीडियो आपके साथ शेयर की हैं। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें जो हमने मैक्रोनी उबाल के रखी है वो डाल लेते हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होंगी। ले लीजिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम ढक कर 2 मिनट के लिए पका लेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। तो 2 मिनट हो गई हैं, इसे चेक कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी टेस्टी हमारी मसाला मैक्रोनी बनकर तैयार हुई है। थोड़ा सा हम चीज़ डालेंगे जिससे एकदम चीज़ी इसमें फ्लेवर आएगा और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला मैक्रोनी बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
तो ये लीजिए, इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला मैक्रोनी बनकर तैयार हुई हैं। एकदम चीज़ी फ्लेवर है इसमें और थोड़ा सा चीज़ से और गार्निश कर देते हैं हम इसे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है, हर किसी को बहुत पसंद आएगी, आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप भी ऐसे मसाला मैक्रोनी बना सकते हैं, तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पर आप इसे शेयर कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला मैक्रोनी बनकर तैयार हुई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो आपके लिए हम डाल रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।